नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम आपको लिए चलते हैं ब्लॉक प्रमुख कार्यालय पर, जहां पर आज राजा भारतेंद्र भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरा होने पर क्या क्या उन्होंने जनता के लिए किया, जनता से रूबरू हो रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग वो बने हो, ये जो बढ़िया सड़कें हमें हरिद्वार जाने में घंटों लग जाते थे और ऐसी सड़क थी कि उस पर चेपी लग जाती थी बार बार, तो ऊपर देखने में लगता था कि सड़क बराबर है मगर ऐसे ऊपर नीचे जाना पड़ता था, 1 घंटा लगता था केवल हरिद्वार पहुंचने में। आज हम 40 मिनट में हरिद्वार पहुंच जाते हैं और ये बढ़िया सड़कें बनती ही जा रही है, ये जाल फैलता ही जा रहा है सड़कों का। तो ये सारा काम जो हुआ है ये पिछले 9 साल में हुआ है। गरीब मजलूम आदमियों पर बीजेपी, मुझे तमाम गांव के लोग मिलने आए हैं, गरीब मेरी बस्ती के मिलने आए हैं, तमाम लोग मिलते हैं कि साहब हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा बैंक अकाउंट होगा और उस बैंक अकाउंट में लाखों रुपया होगा। जिस आदमी के घर पे छत नहीं थी उस आदमी के बैंक में 2.5 लाख रुपया पहुंचा ताकि वो अपने घर को पक्का बना सके, छत बना सके। जिस आदमी को चिंता थी कि रात का चूल्हा कैसे जलेगा उस आदमी को मुफ्त में राशन दिया गया, उसके बच्चे की तनख्वाह, उसके बच्चे की फीस माफ करी गई, बच्चे को पढ़ाई के लिए। गांव में जो सबसे बदतर बिल्डिंग होती थी, पूरे गांव में सबसे बदतर बिल्डिंग पिछली सरकारों में जो होती थी वो होता था प्राइमरी स्कूल। छत झूल रही होती थी, बच्चे बाहर धूप में या पेड़ के नीचे पड़ रहे होते थे क्योंकि डर था कि ये छत गिर ना जाए। मैं सही कह रहा हूँ सर? जब से हमारी सरकार आई है सब स्कूलों में परिवर्तन, डिजिटल कैमरा लग गए हैं, टीचरों को पढ़ाना पड़ता है, डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही है, अंगूठे से अटेंडेंस ली जा रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चों की वर्दी मुफ्त, किताबें मुफ्त, हर चीज की देख रेख हो रही है। और न्याय व्यवस्था, मुझे याद है मैं अपने एक मित्र के पास यहीं कोटद्वार रोड पे बैठा था और उस टाइम पे आतंकवाद फैल रहा था, आपको याद होगा, और मैंने उनसे पूछा कि साहब ये कैसे निपट रहे हो यार, तुम तो इधर तुम्हारा क्रशर आके है इस रोड पे। कहने लगे यार 12 सरकारी संस्थानों को घूस देनी पड़ती है। मैं सोचता हूँ एक तिरवा और हो गया कि आते आतंकवादी ने भी पकड़ा देता हूँ। जब से हमारी सरकार आई है आतंकवाद की कोई घटना नहीं, सख्ती से मनाई, तो हर जगह आप देखिए शांति है, विकास है, हर तरह से सरकार ने, चाहे गरीबों की हो के लिए हो, आयुष्मान कार्ड, आदमी का घर बिक जाता था साहब, जमीन बिक जाती थी, बीमार हो जाए कोई घर पे, एक्सीडेंट हो जाए, जमीनें बिक जाती थी, घर बिक जाता था, फिर पूरा गांव मिलके चंदा करता था तब किसी तरह से इलाज हो पाता था। आयुष्मान कार्ड गरीबों को दिए गए और 6 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का खर्चा सरकार कर रही है। तो सरकार ने हर चिंता करी है गरीब की, और तमाम आप देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था बनी है। जितने 75 साल में हमारे एयरपोर्ट बने उससे डबल हमने पिछले 9 साल में बना दिया। तो एयरपोर्ट में देखिए आप कितना, सड़कें कितनी बढ़िया बन गई, बसें कितनी बढ़िया बन गई, बिजली हुई है आपकी, बैटरी की बस चल रही है, दिल्ली देहरादून बैटरी की बस चल रही है, मेरठ मुजफ्फरनगर सब इसे फीड करते हुए जा रहे हैं। तो ये कितनी सुंदर बसें चल रही हैं, ट्रेनों में कितना सुधार आया है। अभी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और आप देखिए प्रधानमंत्री खुद वहां तत्काल पहुंचे, पूरी पकड़, पूरी जांच, हर चीज पे सरकार की पूरी पैनी नजर। तो सर बस एक मिनट,